Thank you.
jadi perilaku prakritik memang seperti itu artinya. Sehingga teknik yang ada dari fisika sistem kamu tertarik. Prakritik memang seperti contoh dari itu namanya kehidupan. Sehingga ये प्राकृतिक वनस्पति बने हैं लेकिन वनस्पति का मतलब सबसे पहले कंफ्यूजन आ रहा है ये ना इसका मतलब कोई खास कुछ नहीं है केवल ये इसमें बड़े बड़े पेज भी शामिल हैं आईएस के 2015 के पेपर में एक प्रश्न पूछा गया कि सागौन निम्नलिखित में से किस प्रकार का पौधा है या किस प्रकार का पेज है सागौन निम्नलिखित में से किस प्रकार का पौधा है पौधा के पेज को किस प्रकार का वृक्ष है वृक्ष है इसमें आपको नाम का था सदाबहार वृक्ष आर्द्रपर्णपाती वृक्ष तमाम फसलें होते जो होते हैं धान गेहूँ गन्ना
देखिए लेकिन प्राकृतिक रूप से स्वतः किसी एक बड़े क्षेत्र में उगने वाले वृक्षों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक वनस्पति ग्रोथ को। देखो प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य पौधों एवं वृक्षों के ऐसे समूह से है, पौधों एवं वृक्षों के ऐसे समूह से है जो स्वतंत्रता पूर्वक विकसित होकर विकसित होकर पौधों और वृक्षों के समोच्च का निर्माण करते हैं, पौधों एवं वृक्षों के समोच्च का समूह का निर्माण करते हैं। किसी भी भौगोलिक प्रदेश में प्राकृतिक वनस्पति का विकास कई कारकों पर निर्भर करता है अब इसमें हमको ये जानना है कि किसी भी भौगोलिक प्रदेश में वृक्ष होंगे कि नहीं होंगे, कितने ज्यादा होंगे, कितने कम होंगे, किस प्रकृति के वृक्ष होंगे, ये सारी चीजें वहाँ की कुछ विशेषताओं भौगोलिक विशेषताओं के ऊपर निर्भर करते हैं। ठीक है, अगर भौगोलिक विशेषताएं पेड़ पौधों के अनुकूल तो वहाँ पे हो सकता है कि सामान्य से अधिक पौधों का विकास हो, वनस्पतियों का विकास हो, और अगर ये भी हो सकता है कि प्रतिकूल परिस्थितियाँ हो सकता है कि सामान्य से कम वहाँ पे विकास हो, बिल्कुल प्रतिकूल परिस्थितियाँ हो हो सकता है कि वहाँ पे किसी विशेष प्रकार की वनस्पति का विकास हो, जैसे मरुस्थलीय प्रदेश में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे ज़्यादातर पौधे कांटेदार वाले पौधे कांटेदार इसलिए होते हैं क्योंकि नमी रोक के रखते हैं, कांटेदार वृक्षों की विशेषता होती है कि वो अपने पास नमी को ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं जो, और उनकी जड़ें जो होती हैं ज़्यादा गहराई में रहती हैं जो, या कुछ ऐसे हो सकते हैं जो कहीं पर ऊँचाई से प्रभावित हों, उच्चावर से प्रभावित हो तो वहाँ पे किसी अलग तरह के वृक्ष श्रृंखला का निर्माण होगा। ठीक है, तो आपने लिखा है कि प्राकृतिक वनस्पति का विकास कई कारकों पे निर्भर करता है, तो कौन कौन से कारक हो सकते हैं जो प्राकृतिक वनस्पतियों की मात्रा को प्रभावित कर सकते हैं, सोचिए बताइए। एक ही को बताओ भैया, हाँ नहीं जा रहे हो, बिल्कुल नहीं जा रहे हो, चट्टानी संरचना, तापमान और जलवायु वर्षा प्रमुख है, लिख लो ये सब कई कारकों पर निर्भर करती है। देखो वर्षा का की मात्रा, वर्षा की मात्रा, सूर्यातप का मतलब जो सूर्य से टेम्परेचर प्राप्त होता है उसमें सूर्यातप, मृदा की संरचना उच्चावचीय दशाएं अक्षांशीय स्थिति आदि होते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखेंगे तो जितने भी कारण चार पाँच का नाम लिखे हैं, क्योंकि ये बहुत प्रभावशाली ढंग से किसी भी क्षेत्र में पौधों की
देखिए वर्षा जितनी अधिक होगी या किसी क्षेत्र में नमी की मात्रा जितनी ज्यादा अधिक होगी तो वहाँ पे ना केवल पेड़ पौधों का विकास बहुत आसानी से होगा बल्कि वहाँ पे जंतु समुदाय का प्रजनन और उस प्रकार की आदर्श स्थितियाँ होंगी। ठीक है, तो वहाँ पे वनस्पति समुदाय ज्यादा होगा ही होगा, जंतु समुदाय की ठीक ठाक मात्रा में होगा। जैसे भारत में पश्चिमी भाग है, वर्षा बढ़िया हो जाती है पश्चिमी पास पे, वहाँ पे आप देखेंगे कि जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तमाम तरीके के पादप समुदाय, तमाम तरीके के जीव जंतु, तमाम की लाखों प्रजातियाँ वहाँ पे पाई जाती हैं। जो दूसरा आपने लिखा है क्या, सूर्य। देखिए पौधों के विकास के लिए सबसे मूलभूत कारक उसमें एक तापमान है। ठीक है, टेम्परेचर किसी भी क्षेत्र में नहीं होगा, ठीक है, तो वहाँ पे किसी पौधे का विकास नहीं होगा, ना पौधों का विकास होगा ना जीव जंतुओं का विकास होगा। और उसकी मात्रा ज़्यादा प्रभावशाली है, किसी जगह पर ज़्यादा मात्रा होगी तो वहाँ पे पौधों का विकास थोड़ा ठीक ठाक होगा। इसलिए देखिए जो छाँव के लिए आप किसी पौधे को लगा देंगे तो उसका विकास कम होगा। ठीक है, जैसे आप एक छाँव में लगा देंगे तो बहुत एक आठ पौधे अपवाद में जो छाँव में भी होते हैं उसमें फूल पत्तियों की चीज़ें हो सकता है समझ लो, लेकिन जो सामान्य पौधे होते हैं वो छाँव में उतना विकसित नहीं होते, उनके लिए धूप चाहिए ही चाहिए। ठीक है, धूप जितनी अधिक होगी या सूर्य पर जितना भी प्राप्त होगा वहाँ पर पेड़ पौधों का विकास भी उसी के अनुपात में होगा। तीसरा क्या लिखे हैं, मृदा की संरचना, उनको बताने के होते नहीं जो है आप मिट्टी बढ़े जैसे आगे बढ़े हैं। ठीक है, तमाम जो मृदा है भारत की सरकार प्रकार की, उनमें सबकी अपनी अपनी गुणवत्ता और अपनी अपनी अलग अलग विशेषता है। किसी मृदा में किसी तत्व की अधिकता है, किसी मृदा में किसी तत्व की व्यापक स्तर की कमी है। ठीक है, तो वो सब एक अगर समग्र रूप से अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो मृदा की संरचना किसी भी क्षेत्र की वनस्पति को और मौलिक रूप से प्रभावित करती है। अगर मृदा उपजाऊ होगी वहाँ पर बहुत सारे खरपतवार, बहुत सारे इस प्रकार की चीज़ें विकसित होंगी, पेड़ पौधे विकसित होंगे। जहाँ पे भी पेड़ पौधे विकसित होंगे वहीं पे जीव समुदाय या जैविक समुदाय भी ज़्यादा मात्रा में होगा, जो यानी जंतु समुदाय। ठीक है, वहाँ पे कीड़े मकोड़े सूक्ष्म जीव बड़े जीव सब वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में पाए जाएंगे, साथ साथ ही चलते हैं दोनों चीज़ें जो। ठीक है, तीसरा आपने लिखा है उच्चावचीय रसायन। ठीक है, आप लोग वायुमंडल पड़े होंगे, आप लोग जानते हो, मैं भी कई बार चर्चा कर चुका हूँ कि जैसे जैसे आप किसी भी स्थान पे ऊंचाई में जाते हैं, ठीक है, तो तापमान बदल जाता है, तापमान में कमी आने लगती है। तापमान में अगर कमी आएगी तो सबसे पहले आप तापमान ही लिखें कि वो किसी भी जो है भौगोलिक प्रदेश की वनस्पति को प्रभावित करेगी। तो बहुत स्वाभाविक सी बात, अगर हम सतह से ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो जैसे जैसे तापमान में परिवर्तन होगा वैसे वैसे मृदा जो वनस्पतियाँ होंगी उनको उसमें भी परिवर्तन आपको आता जाएगा। कहीं पे कोई वनस्पति होगी, कहीं पे कोई किसी प्रकार की वनस्पति होगी, जैसे हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से लेकर अल्पाइन वन तक मिल जाएंगे आपको, 4000 फीट की ऊंचाई पे। ठीक है, अल्पाइन वन की जो वृक्ष है वो आपको मिलेगी, अकेले वन की मिलेगी, हर प्रकार की वनस्पति आपको हिमालय प्रदेश में मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पर उच्च और बहुत ज़्यादा अधिक है। ठीक है, उच्च और जो है वहाँ पे काफ़ी है, तो इस वजह से उच्च और ये दशाएँ जो हैं वो किसी भी स्थान के वनस्पति के विकास को प्रभावित करती हैं। अगर आपने लिखा है अक्षांशीय स्थिति, अक्षांशीय स्थिति का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं है वनस्पति के विकास से, लेकिन अक्षांशीय स्थिति के आधार पर वनस्पति का विकास प्रभावित है। ठीक है, जैसे विश्वतरेखीय प्रदेशों में वो इसलिए क्योंकि जलवायु दशाएँ अलग अलग हो जाती हैं, विश्वतरेखीय प्रदेश में अलग प्रकार की जलवायु दशाएँ होंगी। ठीक है, तो वहाँ पे पेड़ पौधों के विकास के लिए आदर्श अवस्थाएँ पाई जाएंगी। जैसे जैसे आप उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है, तो तापमान भी बदलेगा, तापमान में पूरी जलवायु परिवर्तित होती चली जाएगी, तो वहाँ पर अलग प्रकार की जो वनस्पति होगी वो विकसित होती चली जाएगी। जैसे कि अक्षांश को भी एक कारक के रूप में शामिल किया गया है इसमें कि वो भी वनस्पतियों के विकास को प्रभावित करता है। और अगर आप ध्रुवों में चले जाएंगे वहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा, खाली बर्फ दिखेगी आपको ज़्यादा तरफ से, और बहुत चुनिंदा जो
दो चार जीव वहाँ पाए जाएंगे जो आखिर में भी हैं उन्हें जीव यहाँ पे पाए जाते हैं। लेकिन इस प्रकार से अच्छासी स्थिति भी प्राकृतिक वनस्पति के विकास के लिए आधारभूत का काम करती है। लेकिन ये चार पाँच कारक ही किसी भी क्षेत्र प्रदेश में प्राकृतिक वनस्पति के विकास को प्रभावित करते हैं। पैराग्राफ चेंज कीजिए आगे लिखिए, भारत दिया जाते हैं तो प्राकृतिक वनस्पति का एक तरह से परिचय था कि है क्या और प्रभावित किससे होती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए भारत के संदर्भ में, देखिए भारत में पाई जाने वाली वनस्पतियाँ स्थानीय एवं विदेशक प्रजातियों का मिश्रण है। भारत में पाई जाने वाली वनस्पतियाँ स्थानीय एवं विदेशक प्रजातियों का मिश्रण है। इनमें मुख्य रूप से इंडो मलायन, इसमें मुख्य रूप से इंडो मलायन तिब्बतन प्रजातियां, इसमें मुख्य रूप से इंडो मलायन तिब्बतन प्रजातियां तथा सजावट के लिए इंडो मलायन, इंडो मलायन का मतलब इंडो मलेशिया का जो क्षेत्र है, इंडो मलायन तिब्बतन और सजावट के लिए जो विदेश से चीजें आई है, सजावट के लिए विदेशों से वो आयात की, लेकिन सजावट के लिए विदेशक प्रजातियां सम्मिलित हैं, सजावट के लिए विदेशक प्रजातियां सम्मिलित हैं। अब भारत में इन प्रजातियों का आगमन जो हुआ, ठीक है, क्योंकि पूर्व में दक्षिण पूर्व एशिया में भारत का ऐसा संबंध है कि बिल्कुल आना जाना और तमाम तरीके के आदान प्रदान वस्तुओं सेवाओं हर चीज का उदान भी होता है, संबंध को थोड़े, लेकिन उन्हीं सब कारकों से जो है तमाम सारी ऐसी प्रजातियाँ इंडो मलायन क्षेत्र की तिब्बतन की प्रजातियाँ भारत में आ गई जो है। और इसके अलावा अगर आधुनिक काल के संदर्भ में देखेंगे तो औपनिवेशिक शासन काल के दौरान सजावट के लिए यूरोपियन प्रजातियाँ भारत में तमाम फूलों के रूप में पौधों के रूप में घरों की सजावट के लिए मंगाए गए थे। तो कोई भी अगर विदेशक पौधा अगर किसी ऐसे क्षेत्र में पहुंच जाता है, अगर प्रभावशाली पौधा है तो अपना स्थान बना लेगा, अनुकूलन कर लेगा एडाप्टेशन, और अगर वो कमजोर है ठीक तो नहीं कर पाएगा, खुद भी रहेगा तो खास क्षेत्रों में विकसित होगा, वहाँ की जलवायु को नहीं कवर कर पाएगा और धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जो अगर आक्रामक प्रजाति है लेकिन कि वो किसी भी जलवायु दशा में विकसित हो सकती है, वहाँ के वायुमंडल में वो आराम से अनुकूलित कर जाएगी, वो बहुत बड़े क्षेत्रों में प्रसारित हो सकती है। तो भारत में इसी प्रकार से ये सारी प्रजातियाँ, जैसे इसमें एक उदाहरण दूंगा, भारत में पार्थेनियम घास है, पार्थेनियम, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। इस समय भारत में कृषि के लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति है, इसलिए इसको गाजर घास भी बोलते हैं, गाजर घास या चलो या छोड़ दो गाजर घास, कांग्रेस घास भी इसको बोलते हैं, ये कहिएगा आपको लिखा मिलेगा कांग्रेस घास या गाजर घास। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसको तमाम और स्थानीय नामों से जाना जाता है। ये कांग्रेस घास है, गाजर घास जो भारत में आई क्योंकि वो जो विदेशी हम लोग अनाज मंगवाए खास करके मैक्सिको अमेरिका कनाडा इन क्षेत्रों से जो हम लोग अनाज मंगवाए स्वतंत्रता के बाद 70 के दशक के आसपास की बात है, तो अनाज के साथ में इसके बीज भारत में आ गए थे। और इसके अलावा क्योंकि इसकी सुंदरता भी ठीक ठाक है जो है, घरों में भी लगा सकते हैं,
से गायब होगा वो देखा है ना, उसी पौधे के तरह इसकी पत्तियां होती हैं और सुंदर इसको गायदा खिला भी पाया। अब ये ऐसा क्रम होता है, ऐसा क्रम होता है इसमें पूरे उत्तर भारत के पूरे भारत वर्ष में हर क्षेत्र में बहुत कम समय में प्रसारित हो गया है। अब इसके साइड इफेक्ट्स क्या है? साइड इफेक्ट्स इसके बहुत ज्यादा है। पहला चीज तो ग्राउंड वाटर लेवल को उस क्षेत्र में कम कर देता है। दूसरा, इससे जो और ज्यादा होगा और फसलें हमारी हैं धान गेहूँ जैसी हैं, लेकिन उनके उत्पादन पे बहुत ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यानी कई विशेषज्ञों ने यहाँ तक कह दिया है कि लगभग 40% उत्पादन जो है उत्पादकता किसी भी क्षेत्र में अगर के लिए या गाजर घास है वहाँ पर फसलों का उत्पादन 40% तक कम हो सकता है। तो ये इतना खतरनाक है, ये तो खतरनाक में ही घाटा करवा रही है। दूसरा इसका वो है कि ये बहुत मानव स्वास्थ्य के लिए भी नुकसान है, क्योंकि इसके संपर्क में अगर पशु भी आ गया मानव भी आ गया तो उसमें तमाम तरीके की एलर्जी दमा इस प्रकार की त्वचा संबंधी तमाम बीमारियां इसके संपर्क में आने से होने लगी। तब भारत सरकार ने भी लिया कि क्या हम ले आए हम सब मजिस्मा ले आए जो सजावट के लिए लाए थे अब ये नुकसान कर रही है। ये इसकी खास विशेषता ये भी है कि ये बहुत ही मतलब प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हो सकती है, पानी की जरूरत नहीं है, एक पत्ती भी हुई तो पता लगे पेड़ महीने बाद खड़ा हुआ है, थोड़ी थोड़ी होगी जो है पूरा एक तरफ से यहाँ भी आप देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में नदियों की पानी फोटो दिखवा देते हैं तो आप फोटो देख लेंगे तो लोग समझ जाएंगे चराए लोग चराए तीन लोग चलाए बाकी लोग तो देखे ठीक है भाई जो चलाए थे तो देखे होंगे कितने भी किए वो भी देखे होंगे बाकी लोग खाली ये देखेंगे अभी दिखवाते हैं ठीक है। इसकी इतनी प्रतिकूल चीज़ें हैं कि उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश पंजाब हरियाणा दिल्ली के आसपास से पश्चिम उत्तर प्रदेश दक्षिण भारत में इतनी ज़्यादा मात्रा में हुई इसको हटाने के लिए दवाएं बनाई जाती हैं जैसे कीटनाशक बेचे जाते हैं इसकी साइड भारत में बेचे जाते हैं उसको गाजर घास को मिटाने के लिए लोग उसका छिड़काव कर रहे हैं मिल जाएगी इतनी लागत होती है कि ये जो है पूरा पेड़ सुखा देंगे तो जड़ अगर बची रह जाएगी तो जड़ भी निकल आएगी बाद में जो जड़। और ये इसका इसकी एक नुकसान ये भी है कि जो दलहनी फसलें होती हैं लेकिन दलहनी फसलों में खास गुण पाया जाता है कि जिन क्षेत्रों में दलहनी फसलों का उत्पादन किया जाता है कहता है कि जो खेत जो थोड़ा सा उसकी उत्पादकता क्षमता कम हो रही है वहाँ पे दलहनी फसलों का उत्पादन करना चाहिए। दलहनी फसलों की खास विशेषता ये होती है कि वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु हैं बैक्टीरिया हैं क्या हो रहा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जो बैक्टीरिया हैं ठीक है उसको एक प्रभावित कर देता है क्योंकि तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया गुणात्मक बढ़ जाती है तो खेत उबर ही नहीं हो पाते हैं जो खुद जो दलहनी फसलें उनके उत्पादन का प्रभावित हो जाती है क्योंकि हमारे वायुमंडल में जो नाइट्रोजन उसको सीधे पौधे नहीं प्रयोग करते हैं ठीक है वो नाइट्रोजन नाइट्रेट में बदलती है उसको पौधे जो है प्रयोग करते हैं इसको कहते हैं नाइट्रोजन या नाइट्रोजन स्थिरांक करके कुछ शब्द बोलते हैं ठीक है उसके द्वारा पौधे उस रूप में उसको प्रयोग करते हैं तो ये उस प्रक्रिया को भी बंद कर देता है गाजर घास जो अब इसकी फोटो थोड़ा दिखवाते हैं तो आप पहचान जाएंगे कि ये कुछ बिल्कुल भी आ जाएगा सामने से सब पढ़ाई करके दिखा देते हैं कौन सा करें फोटो दिखा दें यही है सर दिखाएं ये दिखाएं जो आप लोग देख ले जाए समझ जाए साफ होगा तो आपको नहीं से दिख जाएगा नहीं हुआ हाँ बोलो अगर आओ फोटो दिखाएंगे तो आप लोग हमें लगा परिचित हो गए इसके लिए देखे हैं नहीं देखे हैं हाँ तो यही है गाजर का तो इसकी जो
पत्तियां हैं उनका भी फिर गाजर का पौधा होता है, देखिए गाजर का पौधा वो भी पीना है, लेकिन जो खाएँ ही नहीं, बस दबा दबा के सलाद खाएँ पौधा उधर किसी नहीं देते हैं, ठीक है। तो यही है भैया पाँच लेकिन जिसको बोला जाता है, जो उसका वर्जिनल नाम है, लेकिन भारत में किसी का वर्जिनल नाम नहीं लिया जाता, ठीक है। भारत में वर्जिनल नाम से लोग ज़्यादा विश्वास नहीं करते, ठीक है। रामू श्यामू इस तरीके की सुबई इस तरीके नाम नाम है ग्रामीण क्षेत्रों में मिल जाते हैं, ठीक है। इसका भी भारत में नाम राजा घाट की राजा की तरह देखने में प्रतीत होता है, जिसमें इसको राजा घाट है, बहुत सारे आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये इसकी इसकी जो ग्रोथ रेट है इतने महीने का इसका कार्यकाल पूरा होगा, एक महीने में बढ़ेगा तो कमजोर हो जाएगा, ठीक है। इतना ज़्यादा अगर ये एक बार किसी क्षेत्र में पढ़ के सूख गया, इसमें इतने बीज होते हैं, उनके बीज इतने प्रोडक्टिव होते हैं कि फिर हजारों की संख्या में वहाँ के पौधे जब जाएंगे होते हैं, ठीक है। फिर पूरा देखिए यूपीएससी में इससे संबंधित प्रश्न जो है प्री में आ चुका है, ठीक है। आप जान लीजिए कि जो चीज़ें ऐसी होगी, ये देखो इसकी जड़ें देखो, जड़ें देखो, मूली खा सकते हैं आपको काट के, जो इतनी बड़ी जड़ें कहाँ गया जब है वो भैया, ये जड़े इतनी बड़ी बड़ी जड़े जड़ देखो कितनी बड़ी बड़ी, दो दो फुट की तो जड़े इनको खा पाएंगे, और देखो उखाड़ी भी यहाँ से टूट गया तो यहाँ से इसको निकल जाएगा, इतना बेसरम पौधा है। आदमी होते हैं उनकी आदतें नहीं सुधरती हैं, उनको कितना भी दो चार थप्पड़ लगाएंगे कहिए लेकिन वो सुधरेंगे नहीं, ठीक है। हाँ तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। कुछ ऐसे आक्रामक प्रजातियाँ जो आपके वनस्पतियों सम्मिलित हैं, अब ये वो वाला पुराना वाला कैसे आएगा, नीचे से आएगा, खत्म हो गया पूरा लिखे थे, यस करते हैं लोडिंग, हाँ तो गया प्रजातियों के कुछ उदाहरण, इस प्रकार ये एक उदाहरण मैंने बताया है, ठीक है। इस प्रकार के तमाम सारे उदाहरण जो भारत में मौजूद हैं, जैसे पहले कहा कि ये सब चीज़ में बड़ा विश्वास करता था, शिकार खेलना अनावश्यक जो काम है, ठीक है। खलिया हुए तो ये सब करते थे, जो जीव जंतु मार देना खा लेना, ठीक है। और जो ऐसे जंतुओं को मारना जो सबसे गायब होने वाले हैं, जिनको विलुप्ति की कगार से उन्हीं को निपटा देना, जो ठीक है सजावट के लिए अनावश्यक रूप से विदेश से पौधे लेके आना, यहाँ नुकसान करवा देना। अपने आप पूर्वांचल में एक ऐसे पौधे का और उदाहरण है, जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ, मैं उसको भी सर्च करके दिखाता हूँ। छोटे छोटे उसमें पौधे होते हैं कमल की तरह, और पीने के लिए छोटे छोटे से फूल उसमें लगते हैं, जो आप लोग जो देखे होंगे फोटो में, लेकिन वो भी इतने इतनी ज़्यादा खराब वनस्पति है, गन्ने की बुआई करेंगे तो वहाँ हो जाएगा, धान करेंगे तो वहाँ हो जाएगा, गेहूँ बुआई करेंगे तो वहाँ हो जाएगा, उसको कितना भी हम जुताई कर दीजिए कांटा नहीं होता है, छोटे छोटे पीला पीला फूल लगता है, उसको जानते हैं, उसको पहले तो नीनाव की दवाई की लेते हैं, पीला पीला होगा हाँ, तो उसका विस्तार भारत में इसी रूप में हो गया है, गाँव में उनको होते नहीं है, पूजा टाइप के हाँ भाई इनका आ जाओ हमारे यहाँ देते हैं दवा को चूरन वूरन टाइप का, वही तक बनाते हैं, हाँ लोगों के आस पास नमी होना चाहिए, लोगों में ज़्यादा भी होता है, तो वो भी इसी प्रकार का होगा, कितना उपाय कर दीजिए कितना कर दीजिए, लेकिन वो माने गए नहीं, तब भी इसमें आपको कितने मूल लग ही जाएंगे लोग, फिर वो भी इसी प्रकार की विदेशक प्रजातियाँ हैं जो भारत में आ गई हैं, और इन विदेशक प्रजातियाँ जो भारत की डायवर्सिटी है उसको बड़ा डैमेज करती हैं, जो कमजोर पौधे हमारे यहाँ के जो स्थानीय लोकल पौधे हैं, ठीक है, उनको नुकसान पहुँचाते थे, जैसे अभी कोई कॉलोनी है, ठीक है, उसमें सीधे साधे लोग रहते हैं, लोग गौ टाइप के लोग, ठीक है, उसमें खूंखार आके लग रख दिया जाए तो किसी दिन उनको जान मानते का बिना हो जाके किसी दिन उनको थपड़िया देगा, सब कुछ छोड़ के उनकी मारते हुए चलेगा, जो ठीक है, तो धीरे धीरे लोग क्या करेंगे, कहते हैं ये छोड़ते से कौन लगने जाएगा, जो तो वो बिल्कुल होते चले जाएंगे, वही हाल इन पौधों का भी होता है, ये किसी भी क्षेत्र में और खाने जो लोकल पौधे हैं उनको बेचते नहीं होने देते, समझे। आगे भी कुछ प्रकार में बातें धीरे धीरे क्या लिखो ना, विदेश से आगे प्रजाति से।
देखो भारत में वनस्पतियां व्यापक रूप से विकसित अवस्था में है। वनस्पतियों के संदर्भ में एशियाई देशों में भारत का स्थान चीन के बाद दूसरा है। एशियाई देशों में वनस्पतियों के विकास के संदर्भ में चीन के बाद दूसरा स्थान भारत का है। भारत का है यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वनस्पतियों के साथ साथ अल्पाइन वन तक पाए जाते हैं। अल्पाइन वन लोग बहुत ऊंचाई के क्षेत्रों में विकसित होते हैं, तो आपको हिमालय क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे। देखिए भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा भारतीय वनस्पतियों को छह वर्गों में रखा गया है। कहाँ है भारतीय वन संरक्षण विभाग? जानते होंगे आप लोग ना, कब स्थापित किया गया, कहाँ पे है, तो आपको जानना चाहिए। क्योंकि एक तो तथ्य आपके अगर होगी करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्थापना 1981, हेडक्वार्टर देहरादून। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग इसमें ध्यान दीजिएगा, एक है भारतीय वनस्पतिक सर्वे, ये भी एक संगठन है। ये आपका इसका मुख्यालय कोलकाता में है, 1890 में स्थापित किया गया है। इसका काम है वनस्पतियों का संरक्षण एवं संवर्धन करना है, ठीक है जी। वहाँ पे स्थापित किया तो छह वर्गों में रखा गया है। पहला छह बना लिख लो, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा है मानसूनी या पर्णपाती वन। तीसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क कटिबंधीय वन। चौथा है मैंग्रोव वन। पांचवा है पर्वतीय वन। छठवा है खास
जानते हैं, लेकिन और जो बचे हुए हैं उनको हम लोगों को देखना है एक एक करके। लोग इसमें पहला कार्य अपना उष्ण कटिबंधीय तथा भारत में भी बहुत तरीके के वन पाए जाते हैं। एक पाया प्रायोजित बता दिया करो, हम लोग यहाँ क्या करें, अकेले मन फंसा करो, अकेले मन में दक्षिण होती दलदली जमीन में वो सारे पानी में प्रेषित हो जाता है। चलिए पहला कार्य उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जो लोग लास्ट में देर से आए हैं, ठीक है, उनको बता दूँ कि आज हम लोग प्राकृतिक वनस्पति पढ़ रहे हैं, अभी कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। प्राकृतिक वनस्पति क्या है, ठीक है, उसकी जो विशेषताएँ वो देखेंगे, उसके बाद में उसको छः भागों में बांटा गया है। छः पहले भाग का हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं, उसकी विशेषताएँ लिखने जा रहे हैं, लेकिन पहला भाग आता है, छः का नाम मैंने लिख दिया उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पढ़ ले जाएंगे ना पीछे तक आपको, तो ठीक है ये थे। लेकिन पहले का एक ही गाड़ी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है, मतलब बिना मृदा के अभी पौधे उगाए जा रहे हैं। हाँ कह रहे हैं एरोपोनिक्स क्या है, एरोपोनिक बिना मृदा के, बिना बहुत सारी चीजें बिना जल के भी उगाए जा रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स बहुत जल में पौधे उगाए जा रहे हैं। हाइड्रोपोनिक्स का हाइड्रो मतलब जल, एरोपोनिक्स हाइड्रोपोनिक्स ये सब जो है नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग है कृषि क्षेत्र में। एरोपोनिक्स हवा में पौधे उगा दिए जाएंगे, यानी उनको जो पोषक तत्व चाहिए आप कहीं भी दीजिए, जो पौधों की वृद्धि और विकास के लिए जो पोषक तत्व चाहिए वो अपने कमरे में दीजिए, उग जाएंगे, ठीक है। उनको क्या खेती करते हैं, चाहे उनको खाना पानी मोबाइल वोबाइल मिला रहे, चाहे घर में रहिए चाहे बाहर रहिए, सांस तो मिलती ही रहेगी ना, ऑक्सीजन मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये सब आपको साइंस टेक्निक पढ़ाया जाएगा, एरोपोनिक्स वगैरह हाइड्रोपोनिक्स ये सब उसमें समझ लेते हैं। इसकी खेती वगैरह जो होती भी है, ऐसा नहीं है, जो विकसित देश हैं जर्मनी वगैरह, जर्मनी फ्रांस डेनमार्क नॉर्वे इन सारे देशों में इस प्रकार की कृषि जो है शुरुआत इसकी हो गई है, ठीक है। जैसे अपने यहाँ पानी हाउस वगैरह में पौधों को विकसित किया था, अपने यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में कभी गए हैं, कहाँ है ये सर, तिराहे भगवान कृषि विज्ञान केंद्र नर्सरी नहीं कह रहे हैं, पेड़ पौधे दिखते हैं, एक वहाँ भी पेड़ पौधे मिल जाएंगे आपको। बस्ती जिला जो उत्तर प्रदेश में जाना जाता है वो उद्यान के क्षेत्र में जाना जाता है, ठीक है। नर्सरियों के मामले में इसका ही उदाहरण है, आप जब देखेंगे तो आचार्य नरेंद्र जो एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय फैजाबाद का एक सेंटर है, ठीक है। गोटाव बाजार कहाँ है आपके, ठीक है, तो वहीं पर हम गए एक बार, ठीक है, वहाँ पे बड़ा कृषि विज्ञान केंद्र है, कभी टाइम मिले तो आप लोग जाइए वहाँ पे, वहाँ जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पाली हाउस बने हैं, मछलियों का उत्पादन किया जा रहा है, तमाम नए नए पेड़ पौधों पर रिसर्च किया जाता है, आपको वहाँ पे तमाम चीज़ों के बीज मिल जाएंगे, आम के मुँह का सो अच्छे अच्छे गुणवत्ता वाले चीज़ों के पेड़ पौधे मिल जाएंगे, आम के आंवला के सेब के अनार के सबके जो है नर्सरियाँ छोटी छोटी मिल जाएंगी। इसके अलावा उसी के जस्ट बगल में एक भारत और इजराइल के सहयोग से विकसित किया गया आम की नर्सरी, अरे वो कहने को आम की है, वहाँ पे और सारी चीज़ें हैं जो है भारत और इजराइल के बीच में कला का समझौता है, तो उसी समझौते के जरिए उसको विकसित किया गया, दोनों सटी सटी कभी तो जाओ देख के आओ भैया, मैं बस्ती को जाओ कि क्या क्या है यहाँ क्या क्या नहीं है, हैं पक्के से बाहर निकलो भैया, तो लोग पक्के कंपनी बाग, पक्के दक्षिण दरवाजा, उत्तर दरवाजा, मड़वा नगर और एवं चौरा फवारा तिरा मालवीय रोड, इस सबसे आगे आप लोग सुरैया, यहाँ का नामांकन जो आदमी किया है बहुत ही आप लोग का धोखा किया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा धोखा किया है, नाम जो रखा गया है मैं जान लेता हूँ, मोहल्ले का नाम है फटोलावा, फटोलावा
मुझे भी नहीं पता था चार का मेरे पास में जो है मंगाया था उसे एजेंट से, वो कहा गया कहाँ है तो बताया अपना उसका वहाँ जो जो उसका मालिक यहाँ नहीं आ जाओ, तो वही कहा था कि अब हवा मोड़ने देते हैं क्या कौन जी क्या रहते हैं उसे पूछे कहे कौन सा मोड़ रहा है, तो वही बताया ये इसको भटोरों में मोड़ना खाया था कहाँ भी कहाँ बता दें यार इधर ही मनोरंजन में हुआ था तो यार नाम भी बहुत अजीब अजीब लगते हैं हमको बहुत कुछ भी पढ़ रहे हैं क्या इतने ज़्यादा नाम उपस्थित हैं उपलब्ध हैं इतनी यही से नाम मिला था अपने लिए कुरकिया ऐसे कोई नाम हुआ पक्के जब पक्के रख दिए तो कोई अगर मेरे कच्चे भी रखना कच्चे बजाने आपको बोलती है बड़े मन लोग यहाँ ज्वाइन किया कि तो मन में था कि यार बड़े बन रहे तो आप पेड़ थोड़े बड़ा जंगलों में टाइप का एरिया होगा उसी के आसपास रखा जाएगा घूमने के लिए यहाँ पता चला ये एक चैनल में ही उसे दिया हमको भी नामों के साथ में एक चैनल को रोका हर सर मतलब जैसे कटरा सर हर जगह होता है ये को कटरा आसमान कटरा अंचा तो हर जगह होगा और अपने इसी काल की शब्दावलियाँ हैं जो अपने इसी काल में शहर विकसित हुए अब जितने बड़े महानगर देखेंगे तो वहाँ दो तीन नाम उनको फेमस मिलेंगे पहला दिन चौक दूसरा दिन घंटाघर ठीक है तीसरी चीज जितने भी जो कौन सा धर्म है जो ब्रिटेन वगैरह में ईसाई ईसाई धर्म वगैरह के चर्च होगी गिरजाघर वगैरह जो ये आपको उनके चौक एरिया में मिलेंगे जो शहर औपनिवेशिक शासन काल के दौरान विकसित किए गए उसमें जो शहर के कोर एरिया में है ठीक है वहाँ पे एक घंटाघर लगाया जाता था ईसाई धर्म में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है गिरजाघर के आसपास लगाया जाता था वो सब कोर एरिया में नहीं मिलेंगे ठीक है इसी प्रकार से और अन्य शहरों में लोकल स्तर पर लोग नामांतरण कर देते हैं ना जैसे पक्के जो है इसका अंतर्राष्ट्रीय नामांतरण नहीं हुआ है ठीक है यहाँ के लोकल लोग ही कहने लगे होंगे कोई खिजरा हो गया छोटे माता कोई पक्का कुआ था पहले बहुत पहले दो चार पाँच दो साल पहले ठीक है तो उस कुएँ के कुएँ से आस पास के क्षेत्रों में पानी भी भरने आते थे ठीक है धीरे धीरे पक्के कुआँ ऐसे करके उसका नाम है ना बाजार विकसित हो गई तो बाजार के नाम रख दिए पक्के ठीक है बड़े मन हो सकता है वहाँ पे दिन चार साल पहले कुछ पुलिस वगैरह रहे हों ये छोटा सा उदाहरण टाइप का रहा हो जो बड़े मन रख दी लोकल स्तर पर नामांकन होता है ना वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है अब जो आधुनिक काल में नामांकन होता है उसमें अलग पद्धतियाँ काम करती हैं जातीय नाम रखे जाते हैं ठीक है जिस जाति की बहुलता होगी उस जाति को वहाँ पे नामांकन कर लेंगे तो पटेल नगर कर देगा जो पटेल चौक यहाँ पे है ठीक है उस एरिया में जो जाति के लोग ज़्यादा होंगे तो उसका नामांकन पर पड़ गया जो वफन जो जो तमाम जातियों के नाम जो बुद्ध नगर जैसे पड़ गया जैसे खटोरा मोहल्ला है तो वहाँ पे आठ जाति के लोग ज़्यादा आते हैं जिन लोगों का नाम है खटोरा मोहल्ला पड़ गया जो हम जो आधुनिक संदर्भ में नाम रखे जा रहे हैं उस नामांकन में सबसे प्रमुख फैक्टर यही है जिस जो लोग कौन है भौगोलिक दशा पर जितने वाकी लोग जिसकी विशेषताएं वार्थे देवता पर आएंगे तब उसमें जो है जैसे भौगोलिक इसको याद करने बात आएगी भौगोलिक दशा में पहला वर्षा जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा अधिक तापमान यहाँ पे यानी कि 22 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक इसी प्रकार से एक एक विशेषता होने के लिए आर्द्रता 70% से अधिक आर्द्रता ह्यूमिडिटी 70% से अधिक इसमें जो शब्द नहीं पढ़ने में आएगा वो आप लोग कुछ लिखिएगा क्योंकि लिखते हैं वो की क्या कहते हैं घटिया ही क्योंकि इसमें हमें लिखने की प्रैक्टिस नहीं है व्हाइट बोर्ड भी वैसे लिखते हैं उन्होंने हमारा ये लिखा हुआ है बिना दिया पढ़ लेना है तो हम लोग
एक योग्यता को भी पहले ले सकते हैं। तो ये इसकी भौगोलिक दशाएं यहाँ पे इस प्रकार की भौगोलिक दशाएं जलवायु दशाएं होंगी जहाँ पे वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होगी, तापमान 20-22 डिग्री से ज़्यादा रहेगा और आर्द्रता ह्यूमिडिटी जो है वो भी लगभग 70% से अधिक ही क्षेत्रों में पाई जाती है। हम लोग भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है भौगोलिक क्षेत्र से लिखो, भारत में प्राप्ति पश्चिमी भागों में पूर्वोत्तर भारत पश्चिम बंगाल एवं तटीय उड़ीसा और लक्षद्वीप इसे तौर पर बताया गया लक्षद्वीप अंडमान निकोबार द्वीप क्यों कहाँ है कैसे है ठीक है चर्चा हुई होगी। देखिए तो भारत में सदाबहार वन पाए जाते हैं ठीक है, इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन्हीं क्षेत्रों का मतलब कि जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा हो जाती है जो है उन क्षेत्रों में जो है ये चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे हिमालय प्रदेश में अगर हिमालय को आप आधा विभाजित कर दीजिए ठीक है, मान लो ये हिमालय इसे तो हिमालय का हिस्सा है, अब अगर आप इसको इसे विभाजित कर दीजिए बीचों बीच से लगभग 80-85 डिग्री देशांतर के आसपास से ठीक, पूर्वी हिमालय में कुछ अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी और पश्चिमी हिमालय में अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी। इसका अंतर इसीलिए मूल कारण अंतर क्या है, दो कारण। पहला वर्षा की मात्रा, पूर्वी हिमालय में ज़्यादा वर्षा हो जाती है, देखते नहीं चेरापूंजी मानसरोवर दुनिया के सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान हैं। और दूसरी चीज़ है कि इसका ऊंचा और थोड़ा कम है, यानी ऊंचाई ज़्यादा कम है पूर्वी हिमालय में, पश्चिमी हिमालय की ऊंचाई ज़्यादा है। तो इन दो कारणों से प्राकृतिक वनस्पतियों में भी विविधता देखने को मिलती है, अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। तो ये लिखिए कहाँ कहाँ पाया जाता है, समझ गए कहाँ कहाँ, पश्चिमी घाट अंडमान निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप पश्चिम बंगाल तटीय उड़ीसा और पश्चिमी घाट के पश्चिमी भागों में जो ठीक है ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पश्चिमी घाट के पश्चिमी भागों में ही 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी, पर्वत के उस पार में ही 200 सेंटीमीटर वर्षा होगी। जैसे मान लीजिए ये अगर पश्चिमी घाट है यहाँ बना देते हैं, ये अगर पश्चिमी घाट है तो पश्चिमी घाट के इस क्षेत्र में ही 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी, ना कि इस क्षेत्र में होगी। इस क्षेत्र में ऐसे क्षेत्र हैं जो जहाँ पे वृष्टि की स्थिति रहती है, यानी वृष्टि छाया जोन बनता है, क्षेत्र बनता है। तो हम लिखिए इसमें विशेषता पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, पैराग्राफ चेंज करने का मतलब ये हो गया कि आप ऐसे मान लो कि पेज है तो यहाँ से लिखना शुरू कर दीजिए बीचों बीच से, ठीक है। मतलब ये हो जाता है कि आप कोई दूसरी बात बताने जा रहे हैं ठीक है, कहानी दूसरी है आगे करिए। देखो भारत में पाए जाने वाले सदाबहार वृक्षों की ऊंचाई, भारत में पाए जाने वाले सदाबहार वृक्षों की ऊंचाई 60 मीटर तक प्राप्त होती है। तथा वनस्पतियों के कई स्तर प्राप्त होते हैं। इन वनों की पत्तियां
इन वनों की पत्तियां चौड़ी एवं सघन होती हैं, इन वनों की पत्तियां चौड़ी एवं सघन होती हैं। सघन मतलब जो आस पास होता है, अगर तो और समझते होंगे, हाँ जो मुंह बनाने लगते हैं तो होता है कि ऐसा सब तो नहीं हो गया कि ऊपर से चला जाएगा, ठीक है। जब मैंने पीरर लाजीन पीरर की भाषा वाषा ना छोड़ी है, क्योंकि उसकी भाषा बनाई रखी है, लेकिन उसको जहाँ जरूरत है वो वहाँ ना ज्ञान नहीं किए, नहीं तो कहीं उत्तर लिख रहे हैं पता लगे यूपीएससी का आंसर राइटिंग कर रहे हैं और उसमें लिख दिए गजेन और पीरर, कोई केरल का प्रोफेसर पा गया चेक करने के लिए, वो भी गजे पीरर कर देगा जो समझिए। हाँ मानक भाषा आप जरूर प्रयोग कीजिए जहाँ पे आप कोई चीज़ को औपचारिक रूप से लिखा रहे हैं, लेकिन बोली होगी तो ज़्यादा अंग्रेजी बनी भाषा आपकी बनाए रखी हो। जैसे हम लोगों का आपको मान लीजिए अपने जीवन का आधा समय बाहर गुजार रहे हैं, शहरों में गुजार रहे हैं, ठीक है। 2007 से मैं घर छोड़ दिया हूँ, 7-8 साल अपने डिस्ट्रिक्ट के रहा हूँ मुख्यालय से, उसके बाद मैं इलाहाबाद दिल्ली तक यात्रा की, लेकिन लोग भाषा जो होती है ठीक वो नहीं छोड़ पाए, भाषा नहीं छोड़ना चाहिए, उसमें कर्म आपको होना चाहिए मातृभाषा और मातृभूमि, ठीक है। ये आपको एक अलग इमोशनल अटैचमेंट जिस भाषा में आप खेले पढ़े पले पले बड़े हुए, क्योंकि भाषा को बोल के अंग्रेज बन गए तो क्या मतलब रह गया। हाँ मेरे भी इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप अंग्रेजी पढ़ेंगे ना, कि नहीं हम अंग्रेजी पढ़ेंगे, ठीक है अंग्रेजी उनकी से पढ़ेंगे, जो अंग्रेजी पढ़ेंगे तो आपको कोई सुनेगा ही नहीं, आपकी बातें जो है वो आपकी ओरिजिनल लैंग्वेज तक सीमित रह जाएंगी, और आप कोई चीज़ पढ़ भी नहीं पाएंगे क्योंकि सारी चीज़ें ज़्यादातर अंग्रेजी में आती है, अंग्रेजी किसी भी कहते हैं ग्लोबल लैंग्वेज, तो इमोशनल नहीं होना, ठीक है। मेरे बताओ हमारी भाषा की जो मातृभाषा अवधि में इसको प्रकाशित होना चाहिए था, तब हम पढ़ते, अभी अंग्रेजी प्रकाशित हो गया तो हम कैसे इसको करें जो मान्यता का ज्ञान होगा, ठीक है। यहाँ पर आप इमोशनल नहीं होना, यहाँ पर आपको भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, हमने इतना ज्ञान तो होना चाहिए कि आप इसको पढ़ के समझ जाएँ कि इसमें लिखा क्या है, कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। उधर थोड़ा वो ओके ओके बोलना जान जाइए, जो थैंक यू वेलकम यू तो हमको उसे सीख जाते हैं, ठीक है। चलिए जैसे बच्चे जो गाँव रहते हैं, हमारा बच्चा पहले गाँव था, यहाँ आया, एडमिशन करवा दिया यहाँ के स्कूल में जो अन्य टाइप के गाँव बच्चे मंकी मतलब वो बंदर नहीं पढ़ते, मंकी मतलब बांदर, ठीक है। डाक मतलब कुत्ता नहीं, कुकुर पिल्ला, ठीक है। तो हम शिकायत एक दिन आ गई जो स्कूल से, यहाँ पे होती नहीं पेरेंट टीचर मीटिंग, ठीक है। हमको बुलाया गया कि बताइए जो है और बच्चे प्रभावित हो रहे हैं जो है बहुत ज़्यादा ओरिजिनल भाषा में बात करता है आपका लड़का, तो पर करने दीजिए क्या करेंगे नहीं छोड़ पाएंगे, फिर उसको हम क्या कहेंगे, तो 4-5 साल का खुद यहाँ छोड़ नहीं पाए, ठीक है। यहाँ पर पहुँच गए तो कभी चलने दीजिए, हम इसके लिए कभी दबाव नहीं डालती, क्या क्या मतलब है जो, ठीक है। टाटा बाय बाय नमस्ते करना सिखाइए, पाँव पकड़ना सिखाइए, बिना बोलना सिखाइए, कि टाटा बाय बाय करना सिखा दिए वो भी टाटा बाय बाय कर दिए, ठीक है। जमीन से जुड़ा होना चाहिए, उनको ये जानकारी नहीं कि ये सभी जानते हैं बढ़िया से, ठीक है। तोता नहीं बनाएंगे वो, घर पर भी हमारी पत्नी भी नहीं देंगे लोग, बच्चे पढ़ाने वाले पढ़ा हुआ पाओगे ये पक्का, किसी लायक नहीं बनेगा ये पक्का जान लीजिए, बताओ कोई एक मौसम बात करने लगते हो जो है ये काम नहीं करेगा, कहीं बाहर से तो थोड़े सीख के आएगा, तो फिर आप सुधेंदी बात कीजिए और उनको जिसमें करना है वो सीख जाएंगे, ठीक है। सीख पाए तो ठीक है, ना सीख पाए तो ठीक है, ठीक है। आगे जो करना होगा कर लेंगे, इतना आज से चिंतित होने क्या रहे लोग, जैसे बच्चों को 2.5 साल का एडमिशन करवा दे रहे हैं लोग, 2.5 साल का बच्चा उसका बचपन है, खेलना कूदना चाहिए अगर पकड़ में, तो आपको दवाई खड़ा करना सीखना चाहिए, यहाँ से पैदा हुए 2 साल नहीं हुआ है स्कूल ले जाके छोड़ा रहे हैं, तो स्कूल में उनको क्या सिखाया जा रहा है, क्या टीवी कैसे देखना है, टीवी का रिमोट कैसे पापा से मांगना है, ठीक है, मोबाइल को कैसे लॉक खोलना है, कैसे किसी से बात करना है,
वो चीज़ें उनको सीखने देती है। औपचारिक औपचारिक शिक्षा बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, वो चीज़ें उनको अपने परिवार से आस पड़ोस के बच्चों से सीखना चाहिए। जो वो देख के खुद सीखेगा वो दूसरी चीज़ होगी, जो हम जबरदस्ती सिखाएंगे तो वहाँ क्या सिखाते हैं, जो कहते हैं कोई जाने लगे तो टाटा टाटा किसे हाथ हाथ लगाइए कीजिए, ठीक है, कोई आने लगे तो नमस्ते कीजिए, बड़े 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 हाथ हाथ मिला के जो है हाय हेलो, ठीक है, ये जो सिखाते हैं मुझे भाई साहब के बच्चे को क्या सिखाएंगे, वहीं जाके टॉयलेट करेगा लड़की से तो उसको भूल रहेंगे, और बताइए होंगे उसकी फीस ठीक ठाक होती है ना, कोई उनके बाल वाट कर उसको होते हैं, बाल वाटकाओं की फीस जो आपको लेकिन आपका माथा पकड़ लेंगे जो बहुत ज़्यादा फीस होती है, जो हम तो लिखाएंगे हम क्या कुछ नहीं लिखाएंगे हमारे इसी में लेते हैं, लेकिन उन्होंने कर देखिए यहाँ के दूसरे बाल वाटका स्कूल हम जाएंगे सब लोग जो आएंगे 6:30 बजे फिर आएंगे 11 बजे 3000 बच्चे को क्लास से होती है, 3000 बच्चे उनको पूछा जाता है कि भाई इसी को, यानी उसको जो प्राकृतिक रूप से डेवलप होना चाहिए उसका दिमाग आप कुछ ऐसे व्यवहार नहीं कर सकते हैं, क्लास में क्लास के अनुशासन के अवॉर्डिंग आपको बच्चे नियंत्रित माहौल हो गया, और अनियंत्रित माहौल में जा रहे हैं देख रहे हैं समाज में सारी चीजें पिछड़ा हो गया कैसे या दूसरे का हो गया, देख रहे हैं कैसे हुआ क्यों हुआ नहीं होना चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए, किसी गलती है किसी गलती ज़्यादा है, ये सब विश्लेषण अगर खुद से करें तो उसमें जो आप चीज़ें सीखते हैं क्योंकि वो अलग किस्म की चीज़ होती है, क्योंकि वो चीज़ ऐसी होती है आप के उनको समझे कि वर्जन वाले माइंड में चले तो कभी जाएगी नहीं, और जो चीज़ जबरदस्ती सिखाई जा रही थी किताबी ज्ञान जो है आप ज़्यादा नहीं बन नौकरी पा जाइए, जैसे आप IAS IPS है कोई नौकरी पा गए बन गए, ये चीज़ें इतनी तेज भूलेंगी कि 6 महीने खत्म 6 महीने बाद खत्म सब खत्म सारी चीज़ें, इतना तक वो क्या लिखी है हम तो इतना तक क्या लिखा कोई भी चीज़ आप भूलिए तो पक्का बताता था, यानी कि कोई अब फ्री वीक में इतना तक क्या निकल गया था कि फ्री में आपको विश्वास नहीं करेंगे आप मुझे देख रहे हैं 115 मेरे सही हो जाते हैं, इसको मैं अपनी कभी मानता हूँ ये बेकार चीज़ें हैं, इतना ज़्यादा पढ़ने क्या जरूरत है, 90, 85, 85 कदम जा रही है तो 85 कदम जा रही है तो 86 भी होगा तभी वो मैं लिखेगा, जिसका 115 रहेगा वो भी लिखेगा, इतना इतना करने क्या जरूरत है आपको, जो इसको किसी को अनावश्यक मेहनत कहा जाता है जो, ठीक है, तो वो चीज़ें अपने आप होने देना चाहिए जो जो हो उसको नियंत्रित नहीं करना चाहिए, जो बच्चों में खेलने नहीं दे रहे हैं जो पार्क कुतुब शहर बनी नहीं बच्चे जाके उसमें लड़े होने किसी से खेले होने बैठ को फेंक के मारे गाड़ी में बूटे उठे वोट लगे होना चाहिए जो अभी सब कुछ नहीं है, लेकिन हल्का सा खरोच भी आ गई, ठीक है, तुरंत जो है दवाई और तमाम तरीके आ क्या हो गया क्या हो गया, 3 दिन से बिल्कुल उनको इससे रोई छुआ जा रहा है इसे छुएंगे ऐसा ना हो कि और खरोच लग जाए जो तो वही सब काम बाद में गड़बड़ा जाता है जो फिर काम इसलिए गड़बड़ा जाएगा क्योंकि वो फिर बच्चे भी बॉयल मुर्गी की तरह होंगे इसके हवा चल जाएगी कि नहीं उड़ेंगे नहीं मर जाएंगे क्यों हमारी इतनी तेज हवा कैसे चल रही है इतनी धीमे धीमे चलती थी आज इतनी तेज चल रही है कि बताओ तो बहुत बेकार चीज है जो जिसको हर माहौल में शिक्षित होने होते देना चाहिए क्या लिखे इसमें वनस्पतियों के कई स्तर प्राप्त होते हैं इसके आगे लिखिए हाँ देखो इसके प्रमुख वृक्ष यानी सदाबहार वन के प्रमुख वृक्ष इसके प्रमुख वृक्ष देवदार इसके प्रमुख वृक्ष देवदार रोजवुड महोगनी रोजवुड महोगनी लिख दो सिंकोना से मलेरिया की दवा बनती है सिंकोना की छाल से सिंकोना ताल
ताल ताल हाँ ताल नहीं आते हम लोग हाँ ताली वाला ताल नारियल रबर रबर एगोनी 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 एनी एनी भी एक बिल्कुल है ताजा ताजा एनी बस हो गया आदि है आदि है यहाँ पे जो वृक्ष पाए जाते हैं उनकी लकड़ियाँ जो होती थी कठोर होती थी तो लकड़ियाँ भी कठोर होती है क्योंकि इनको काट के उनमें बड़ी समस्या भी होती है क्योंकि इतना सघन क्षेत्र होता है कि उस क्षेत्र में अगर आप चले जाएँ लौट नहीं पाएंगे जल्दी में अब इतना सघन होता है कि ऊपर से सूर्य का प्रकाश नीचे नहीं पहुँच पाता मैंने इसमें लिखा है कि वनस्पतियों के कई असर होते हैं गुरु की महादुर कर दी महादुर है नहीं पाते हो तो मिलने के लिए कोई आपको रोक रोक के रखे नहीं बोलो ले जाए जो भी आपको बात ना बता पाए तो जो क्या होगा रोको अपने आपको किसी को थे कहा जाता है ठीक है तुरंत ना बता दो लड़ा जाए यानी इसकी जो संरचना होती है पेड़ों की तो 60-60 मीटर के मटेरियल होते हैं दूसरी चीज पेड़ों के साथ में इसमें कई स्तर की वनस्पतियाँ होती हैं बड़े पेड़ होंगे कुछ छोटे पेड़ होंगे कुछ पवन टाइप के हुए होंगे इस प्रकार की इतने सघन वृक्ष होते हैं कि इनको काटने की समस्या होती है इनको आप अगर व्यवसायिक तौर पर कटवाई करें तो बड़ा समस्याएं आती हैं लिबरल बात देखो इन वनों की लकड़ियाँ काफी कठोर होती हैं काफी कठोर होती हैं तथा सघन वन होने के कारण तथा सघन होने के कारण इनके चयनित कर्तन में समस्या होती है इनके चयनित कर्तन में समस्या होती है चयनित कर्तन में समस्या होती है कर्तन को काटना इनके चयनित कर्तन में समस्या होती है इसलिए इन वनों की आर्थिक उपयोगिता कम है इसीलिए इन वनों की आर्थिक उपयोगिता कम है इसलिए इन वनों की आर्थिक उपयोगिता कम है एक जो लिखो इन वनों के वृक्ष अपनी पत्तियां भिन्न भिन्न समय पर गिराते हैं इन वनों के वृक्ष अपनी पत्तियां भिन्न भिन्न समय पर गिराते हैं इसीलिए सदैव हरे भरे बने रहते हैं इसीलिए सदैव हरे भरे बने रहते हैं इसीलिए सदैव हरे भरे बने रहते हैं भैया दूसरा डालो मानसून पहला हो गया कहा बड़ा बंद हो गया ठीक है अब आपको चाहिए कि जाके आप वनस्पतियों से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए विगत में उनको देखिए कि किस प्रकार के प्रश्न वनस्पति वाले चैप्टर से विगत में पूछे गए हैं तो आपको उसे अनुमान लग जाएगा कि भविष्य में ये वाला प्रश्न बन सकता है ठीक है अच्छे स्टूडेंट और अच्छे स्टूडेंट की निशानी होती है लेके गए मरे मरे से खाए वाले खाके सो गए फिर अगले दिन किताब उठाए फिर चले आए ठीक है तो हम लोग समय काट रहे हैं आपको अगर गंभीर विद्यार्थी हैं तो आपको इन सारी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए ठीक है तो आपको समय गया कि आप दिल्ली जाएंगे कोटा वो इलाहाबाद जाएंगे तभी आप सिविल सेवा में जा सकते हैं जब आप बस्ती में रहेंगे कि आप अधिकारी बन सकते हैं क्योंकि हर चीज़ आपको उपलब्ध हो जाएगी यहाँ पर भी वहाँ पर भी यही चीज़ें बस वहाँ एक चीज़ आपको अलग मिलती है वो यहाँ पर भी डेवलप की जा सकती है लेकिन यहाँ पर उतना जा
वो नहीं कराएगी, लेकिन वो ये कीजिए कि वहाँ पर जो एक तरह का पॉजिटिव कंपटीशन होता है, एक सकारात्मक जो प्रतिस्पर्धा होती है, लेकिन छात्रों के बीच में जो प्रतिस्पर्धी जो अच्छे प्रतिस्पर्धी हैं वहाँ पर भी वो गए जो लोग होते हैं कपड़ों के आते लोग बीच से वहाँ भी जाते हैं, लेकिन सकारात्मक प्रतिस्पर्धा जैसे शाम को बजा जा रहे हैं चीज़ों को डिस्कशन करते जा रहे हैं क्या ये वाला सब्जेक्ट हमारा कमजोर है इसको कैसे पढ़ा जा रहा है तो मैं कर रहा था प्रदान कर लिए, लेकिन एक दूसरे से आगे बढ़ने का उसमें प्रयास करते हैं कि हमारा नंबर इस सब्जेक्ट में अगली बार इतना आएगा, वो भी कहते हैं चलो देखते हैं अगली बार हम भी बहुत तैयारी करके आ रहे हैं, तो इस तरीके का एक जो है माहौल बन जाता है। 2020 का पीरियड हमको देना था लेकिन हम लोगों ने कोचिंग ज्वाइन टेस्ट सीरीज देने के लिए, इसलिए मतलब उससे बड़ा परफेक्शन आ जाता है कि बहुत सारे तक तैयार हो जाते हैं और जब आप एग्जाम हाल की तरह बैठ किसी जगह पर टेस्ट देते हैं फिर उससे बहुत सारी चीज़ सीखने को मिल जाती है कि एग्जाम हाल का प्रेशर कैसे हैंडल किया जाता है। उसमें यह था कि अगर आप फर्स्ट आते हो तो उसकी फीस जो थी वो 2000 रुपये मात्र थी, ठीक है 2000 रुपये थी, मैं 10-15 टेस्ट जो है कि आप 10-15 टेस्ट आगे लीजिए कि आपकी जब होगी और रैंकिंग मिलेगी इस बच्चे का कितना सही है किस रैंक पे हो। और उसमें सबसे मजे की बात ये थी कि उस कोचिंग ने ये घोषणा की थी कि जो फर्स्ट आएगा उसको 1500 रुपये, जो सेकेंड आएगा उसको 1000 रुपये और जो थर्ड आएगा उसको 500 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है उसमें ज़्यादा ही मन लगा करने लगी क्या ऐसे मिल जाएगा बेरोजगारी तो बोलोगे 1000 रुपये 1500 रुपये की फ्री मिल जाएगी तो बड़ी बात है कि नहीं है। हर टेस्ट में प्रत्येक टेस्ट में जो टॉप 3 के होंगे उनको 3 पुरस्कार की श्रेणियाँ 57 पुरस्कार कोई नहीं था, तुम लोग शामिल उनको काफ़ी दे दिया जाएगा तुम दोनों को ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन तो मैंने 3 टेस्ट में उसमें टॉप किया 45 रुपये हो गया और 2 या 3 टेस्ट में सेकेंड पोजिशन थी और थर्ड के नीचे तो एक आध टेस्ट छोड़ दिया तो थर्ड के नीचे में किसी भी नहीं लगा हमारा पूरा 10-12 हज़ार रुपये हो गया कोचिंग वाले के कई कई बच्चों में था तो अलग बात है कि जो एक के रूप में जाएंगे उतना अच्छा नहीं रहेगा जो वैसा आपको दिया जाएगा तो वो 3000 रुपये तो दे दिए दो टेस्ट का पहले ही दे दिए थे जब हुआ था कि और बच्चे आ जाएँ तो मोटिवेट होके जो यहाँ पर मिल रहा है सही मिल रही है उसके बाद उसको होल्ड करते गए होल्ड करते गए टेस्ट खत्म हो गया पैसा आपको दे दिया जाएगा भुगतान कर दिया जाएगा। उसी समय कोरोना में थोड़ा आग आने लगी थी जो है टीमों में फैला हुआ था कोचिंग भी उनकी बंद हो गई जो है ना दी हजम हो गया जो हालांकि मैंने 2000 रुपये लगाया था वो 3 मिल गया था तो हमारा 1000 रुपये लाभ मिला जो है और लाभ का था टेस्ट भी तो हमने किया था नहीं 15 टेस्ट अगर वो समझो 20 रुपये हमारे लिए हो गया जो ठीक है। उसमें अच्छी बात ये होती कि उसमें आपका मन और लगने लगता है यार पहला तो ना आए तो दूसरा तो आए की जाए दूसरा ना आए तो तीसरा तो आ की जाए कुछ मिल भी जाएगा जो उसमें थोड़ा सा और एनर्जी लगाना चाहिए इसी को कहते हैं पॉजिटिव यहाँ कैसा है निगेटिव कंपटीशन कैसा है दो पार्टनर है दो पार्टनर रह रहे हैं साथ में एक आदमी अगर रात्रि 12 बजे तक पढ़ा है तो दूसरे को उससे कर रोना शुरू हो जाएगा यार लाइट बंद करो इतना पढ़ोगे उनको नींदें नहीं आती लाइट जलती है तो ऐसा हो ज़्यादा पढ़ गए उनसे पहले सेलेक्ट हो जाए जो ठीक है जान लीजिए कि आपके सिलेक्शन होने की रियलिटी है आपके सिलेक्शन होने के 3 आदमी के अलावा चलता कभी कुछ नहीं होता है और सबसे ज़्यादा दुखी कौन होता है आपके जी मित्र जो खास मित्र होंगे वही दुखी होंगे कि देखो गदा हो गया हम ही बचे रह गए एक आपके मम्मी एक पापा ठीक है एक आपका टीचर भी खुश होता है क्योंकि उसका कोई आपसे कंपटीशन नहीं होता है इसके अलावा चौथा व्यक्ति कोई है ही नहीं जो आपके सिलेक्शन से खुश होगा ठीक है चौथा कोई है ही नहीं जो आपके सिलेक्शन से दुखी होगा ठीक है अरे यार देखो हो गया हमारा नहीं हो इसका हो गया मेरी इतना डिफाल करता कि क्या होता है उसको डिफर जब आते थे कि जो है किसी काम का आदमी नहीं है सिलेक्शन नहीं होगा हो गया देखो अब क्या होगा क्योंकि तो सबसे ज़्यादा दुखी वही होते हैं तो इस प्रकार से नकारात्मक कंपटीशन उत्पन्न होता है क्योंकि यदि ज़्यादा इसको पढ़े तो नहीं देना है जो लाइट का बहाना मार देना है लाइट जब उनको नींद नहीं आती है या किसी न किसी रूप में उसको प्रतिरोध कर आ देना कि भाई कुछ आदमी होते नहीं हैं सीधे नहीं बोलते हैं ठीक है अपने कार्य व्यवहार के द्वारा जो दर्ज कराएंगे तेजी से आपके अगर वहीं से गुजर जाएंगे बोलेंगे काम
पहले ज़्यादा बोलेंगे फिर कम बोलेंगे, काम बिल्कुल बांट बांट के करेंगे कि आपको कुकर बोलना है हमको थाली बोलना है, ठीक है कुकर बोल के अपना चुपचाप रख लेंगे, आपसे पैसे भी नहीं आएंगे चाहे पार्टनर नहीं होते आपको पार्टनर को कोई रखे ही नहीं किसी बवाल के कारण, ठीक है क्यों भी दो चार महीने में रखे थे लेकिन हमें हमने इधर थाली हो गया तो हम अकेले ही रहे जितने भी रहे अकेले ही रहेंगे, इसको नकारात्मक कंपटीशन आपको प्रोत्साहित करता है, सकारात्मक कंपटीशन आपको और मन लगा के पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। बोलिए दारी दूसरा क्या है? हाँ देखिए मानसूनी या पर्णपाती वन है, इसको मिटा देते हैं, मिटा देंगे या सेव कर देंगे, मिटा देंगे ना सेव करो, मानसूनी या पर्णपाती वन इसको दो भागों में बांट लीजिएगा, अपनी कापी में समझने के लिए दो भागों में बांट के लिखेंगे, इसमें एक लिख दीजिए आग्र पर्णपाती, आग्र पर्णपाती और इधर लिख लीजिए शुष्क पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती वन यानी मुख्य तौर पर जो मानसूनी जलवायु दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा हो रही है उन क्षेत्रों में पाया जाता है, लेकिन वर्षा का वितरण जो है इसमें विभेद उत्पन्न कर देता है, ठीक है जिस भी क्षेत्र में वर्षा होगी 100 से 150 के बीच में वर्षा होगी वहाँ पे तो पाए जाएंगे आंध्र पर्णपाती वन, और जहाँ पे 75 से 100 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होगी वहाँ पे पाए जाएंगे शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है तो ऐसा नहीं कि मरुस्थली है, शुष्क शब्द लगाया जाए समझ रहे समझ जाएगी मरुस्थली, मरुस्थली नहीं वर्षा थोड़ा सा कम होती है आंध्र से जो है समझे बिल्कुल आंध्र की तरफ लिखो, आंध्र की तरफ लिखो आवश्यक भौगोलिक दशा जैसे उसमें लिखे थे आवश्यक भौगोलिक दशा वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर सेंटीमीटर लेकिन यहाँ से ध्यान रखिएगा नहीं तो आप कहीं गुरुजी गलत करा दिए, औसत वार्षिक वर्षा क्या होती है बात नहीं एक घंटे वाली वर्षा पहुँच जाएगी जैसे आप लोग लिखने के हिसाब से लिख लीजिए हमको देखिए सेंटीमीटर का एक दिन का लिख देते हैं औसत वार्षिक नहीं लिखते हैं क्या इतना लंबा तक लिखिए एक दिन में इतनी वर्षा होगी नहीं तो आप लोग जैसे समझदार हैं तो चीज़ें होती हैं कॉमन सेंस भी उस बात में समझ जाता है, फिर ध्यान की एक औसत वार्षिक वर्षा की बात होती है यानी जिन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य में होगी उन क्षेत्रों में कौन से वृक्ष पाए जाएंगे आर्द्र पर्णपाती वन, तो देखो आवश्यक भौगोलिक दशाएं आर्द्र में लिखना है अभी आर्द्र में लिख लो मर जाओ तुम से देखो क्या लिखे हो तापमान 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड आर्द्रता 60% कितनी 60% भौगोलिक वितरण इसका किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है भौगोलिक वितरण सामने इसको लिख लो विशुष्क पर्णपाती के लिए अलग हेडिंग करवा देंगे उसको परेशान ना होइए फिर आगे लिख दीजिए क्या लिखे भौगोलिक वितरण यानी कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं तो पहला इसमें लिख दीजिए भावर एवं तराई क्षेत्र भावर एवं तराई क्षेत्र दो भावर एवं तराई क्षेत्र पढ़े ना भावर एवं तराई क्षेत्र हाँ तो ये बताओ कोई इनसे पूछे नहीं बताए कहाँ है क्षेत्र आप आए हैं पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं आ जाते हो आपको पेपर नहीं पढ़े तो आप लोग क्या बोले कौन बताएगा जी जानते हो अरे भगवान किसको पढ़ा दिया
क्लास में कौन था जाने पढ़ाया वो तो नहीं पढ़ाई नहीं कर गए उस दिन कोई था ही नहीं यहाँ वो भूल गए थे जब हम पढ़ाई कर गए हमारे सर नदी के तट का क्षेत्र होता है खादर उसका ऊपरी क्षेत्र है हमारे नदी के किनारे का क्षेत्र तो नीचे का क्षेत्र मृदा की संरचना नहीं बतानी है धर्म ये बताना है कि कहाँ पे है भौगोलिक प्रदेश किसके हिमालय के हिमालय के सटे हुए क्षेत्र जहाँ पे तापमान की साइज थोड़ी बड़ी होती है वहाँ पे नदियाँ बहुत ज्यादा बड़ी नदियाँ केवल दिखती होती है और छोटी नदियाँ लुप्त हो जाती है सीसम
महुआ 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 का उपयोग होते हैं आते हैं हम लोग क्या उपयोग कच्ची दारू बनाई जाती है उसे नाव मलिमा होता है कच्ची दारू महुआ की बनी हुई महुआ को बहुत कम होता है ना कि बराबर रहता है महुआ की मात्रा महुआ तो बहुत ही पौष्टिक बहुत ही जो है स्वादिष्ट चीज है उतना उपयोग कहाँ कर पाएंगे महुआ को कम होने जाएगी तो ढाई तीन सौ चार सौ मांग रुपये किलो तो नहीं होगा ठीक है और उसको अगर आप दूध दूध में उबाल खाएंगे तो बहुत ही ताकतवर चीज होता है महुआ लेकिन दारू मिला की नहीं दारू में जो उसका थोड़ा सा सामने गया दारू तो अधिकांश एल्कोहल और इतना यूरिया तमाम चीज़ें समझे हुए हैं लेकिन महुआ उबाल उबाल के देंगे तो उनका घर भी जाने के काम आ जाती ठीक है महुआ का इसके अलावा भी उपयोग होता है तमाम दवाएँ बनती हैं और भी उपयोग है ठीक है जो लकड़ी नहीं की अच्छी दारू बनती है एक तो महुआ आंवला आम आंवला आम और बीज कटहल जामुन जामुन पीपल बरगद आदि हैं इन्हें पर्णपाती वृक्ष इसलिए कहते हैं इन्हें पर्णपाती वृक्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि मानसून के पूर्व ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं मानसून के पूर्व ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं ठीक है चेक नहीं